आप फ्रेंड अगर आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी सारे तरीके को फॉलो किया है। आज के इस वीडियो में आपको चार तरीका बताने वाला हूं फ्रेंड। अगर आप राशन कार्ड खोलने के लिए सच में इंटरेस्टेड हैं तो इन तरीके को फॉलो करिएगा, आप 110% यहाँ से फ्रेंड अपने आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पास या तो सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके चेक करें। इस वीडियो में आपको चार ऐसे तरीके बताने वाला हूं फ्रेंड कि आप किसी भी स्टेट से आप अपने स्टेट की ऑफिशियल साइट में अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से नए तरीके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारा प्रोसेस वीडियो में दिखाया गया, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। आधार सेंटर फ्रेंड आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ से uidi.gov.in की ऑफिस की ऑफिशियल साइट में आएंगे, तो जहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं हमने डैशबोर्ड को ओपन किया हुआ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा तरीका फ्रेंड यहाँ से इनकी ऑफिशियल साइट में आके भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप अप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैप्चर डाल के आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बताया गया है क्लिक हियर टू व्यू आधार सेंटर अप्लाईकेशन डैशबोर्ड, आप इस पे क्लिक करके आधार सेंटर के एप्लीकेशन की डैशबोर्ड को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ से रनिंग जो सेंटर है उनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ से नीचे इम्पोर्टेंट जो सर्किल है उन सर्किल के बारे में भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। नंबर और यहां से ईमेल आईडी दोनों में यहां से सेंड किया जाएगा ओटीपी, ओटीपी आपको फिल करना है एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे फिर यहां से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके ओटीपी को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा फ्रेंड, जहां से थोड़ा सा बफरिंग करेगा। इसके बाद पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, पेज में आपको यहां से सारी जानकारी को फिल करना रहता है, जिनमें देख सकते हैं इस प्रकार आपको मिल जाता है आधार सेंटर रिक्वेस्ट। आपको सिंपली आधार सेंटर रिक्वेस्ट पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट को लगाना रहता है। और रिक्वेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें रहती थी, जिनमें आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना रहता है फ्रेंड, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है। और इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट कर देंगे, सारी चीज़ें आपके यहाँ से कम्प्लीट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से लगा दी जाएगी, जहाँ से बोला जाएगा फ्रेंड आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, जिनमें देख सकते हैं बताया जाएगा कि आपके पास ये यहाँ से NSEIT का सर्टिफिकेट है, जिनमें आपका यहाँ से सुपरवाइजर या फिर यहाँ से आपका ऑपरेटर सर्टिफिकेट अगर है तो आपको इसको चेकमार करेंगे। पूछा जा रहा है आपके पास स्कैन कॉपी है ई आधार कार्ड की, आपको इसको चेकमार करना है। बोला जाएगा डू हैव द ना से नॉन ऑब्जेक्शन, यानी यहाँ से NOC आपने बनवाया है, आपको भी यहाँ से इसको चेकमार करना है। इसके अलावा बताया जाएगा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल है, लोकेशन आपके पास है, आपको इसको भी चेकमार करना है। फिर यहाँ से बताया जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टाम्प फॉर्मेट, यहाँ से आपको इस बॉक्स को यहाँ से चेकमार्क कर देना है। यही कुछ चीज़ें बताई जाएंगी फिर, जिनमें देख सकते हैं NOC का फॉर्मेट, अगर आप देखना चाहें तो NOC का आप यहाँ से इस प्रकार का फॉर्मेट देख सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट का आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट के आप फॉर्मेट को यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार इनका रहता है। यहाँ से देख सकते बताया जाएगा आपके वेरिफिकेशन नाम, फादर्स नेम, सारी चीज़ें कहाँ से फिल कराना है, हस्ताक्षर लेना है उनका, और यहाँ से वैलिडेट पे इसको क्लिक करके इसका वैलिडेट को आपको यहाँ से करवा लेना है। इसके अलावा अगर फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ से कंसेंट आधार सुपरवाइजर फॉर्मेट देखना चाहें तो आप जो ये कंसेंट देते हैं उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि फॉर्मेट कैसा रहता है। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा, सुपरवाइजर कंसेंट फॉर्म है, यस वेरीफाई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, सिंपल फॉर्मेट है नॉन ऑब्जेक्शन NOC गवर्नमेंट का, आप उसको भी यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। जिनमें सारी चीज़ें दी जाएगी, जिनमें से UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय सरकारी पता रहता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद फिर ये आधार का कंसेंट है, जो आप ये आधार का कंसेंट आपको देना रहता है, तो इस प्रकार फिर आप यहाँ से आधार का कंसेंट देख के अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ चेकमार करेंगे, नीचे यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन आएगा, इसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसके बाद चेक करना एंड प्रिंट करना है। मैं यहाँ सबसे पहले बात करूँ फिर फुल नेम ऑफ सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर उसका आपको यहाँ से फुल नेम देना है, इसके बाद उसके सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ से फिल करना है, जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मेल है या फिर फीमेल है, फादर्स नेम यहाँ से डालना है, हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10th या 12th,
जो भी रहेगा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना। नंबर यहाँ से दिख जाएगा, एक रेजिडेंशियल टाइप यहाँ से बोला जाएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सुपरवाइजर उसको आपको यहाँ से फिल करना है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ से मिली जाएगी। फोटो ऑफ सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर के फोटो को अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम साइज 1 MB रहेगा। ये सिर्फ यहाँ से अपलोड करेगा, यहाँ साइज आपसे एक्सेप्ट करता है, JPEG फॉर्मेट को ये एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आप इनरोलमेंट कहाँ ओपन करना चाहते हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ से फिल करनी पड़ेगी। नीचे आएंगे, इसके बाद फिर आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको चेकलिस्ट में दिखाया हुआ था। जब सभी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे फिर इसके बाद चेक एंड प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। यहीं से आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई क्या रॉन्ग है, अगर आपने कोई रॉन्ग किया तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से फिर आप प्रिंट इसका निकाल सकते हैं और आपको सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। ये तो फिर मध्य प्रदेश का प्रोसेस है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसी अदर स्टेट की, जैसे राजस्थान की, आप राजस्थान के लिए कैसे अप्लाई करना चाहेंगे, तो इसके लिए फिर आपको aadhar.rajasthan.gov इसकी ऑफिशियल साइट में आ जाना है। आने के बाद फिर यही सबसे पहले आपको देखते ही बताया जाएगा आपने टोटल कितने ऐसे टुडे आप कितना आधार का ट्रांजेक्शन होता है, मंथ में कितना हो, ईयरली में कितना होता है, टोटल कितना हो, वो सारी डिटेल यहीं से मिल जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको साइन इन यहाँ से कर लेना है। अगर अभी तक आपने साइन इन नहीं किया है तो आप यहाँ से आके साइन इन भी कर सकते हैं, या फिर इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है तो आप कॉन्टेक्ट एज पे क्लिक करके सिंपली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए फिर जैसे साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, इसके अलावा फिर आपको यहाँ से तीसरा तरीका मिल जाता है, जो भी यहाँ से कंपनियाँ रजिस्टर्ड है UIDAI में, आप उन कंपनियों यानी एजेंसियों के थ्रू भी आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें देख सकते हैं सबसे पहला नंबर फर्स्ट पे आती है करवी डाटा मैनेजमेंट, आप यहाँ से करवी डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्वाति यहाँ से स्मार्ट टेक हाईटेक है, यहाँ से तारा यहाँ से सॉफ्टटेक लिमिटेड है, एंगल यहाँ से सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इनमें देख सकते हैं कि इन्होंने कितना आधार सेंटर को ओपन करवाया हुआ है। सभी की लिस्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, सभी की लिस्ट आप यहाँ से आके भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप यहां से कैटेगरी बाय सेलेक्ट भी कर सकते हैं, किस कैटेगरी का आप देखना चाहते हैं, या फिर बाय स्टेट या फिर बाय यूटी भी आप यहां से सेलेक्ट करना चाहे तो सर्च कर सकते हैं। जैसे भी आप सर्च करना चाहे सर्च करेंगे, फिर आप जिस भी कंपनी के यहाँ रहेगा आप इस कंपनी को यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे करवी डाटा मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, फिर आपको यहाँ से ओपन करना है एक बार यहाँ से, इसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है करवी डाटा मैनेजमेंट। जैसे फिर आप यहाँ से करवी डाटा लिखेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, तो यहाँ से आपको करवी डाटा लिख के आपको सर्च कर देना है। सो फ्रेंड इस प्रकार आप यहां से जाके इनकी ऑफिशियल साइट भी आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इनकी तरफ से कॉल आएगा, आधार सेंटर ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, फिर आप यहां से आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड ये है तीन तरीका, एक है फ्रेंड फिनो, अगर आप फिनो से बिलोंग करते हैं, फिनो में आपके पास CSP है, या फिर आप हमारे चैनल में रेगुलर बने रहते हैं तो आपको मालूम होगा फिनो भी आधार सेंटर प्रोवाइड करता है, जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल में अपलोड किया था। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रकार फिर ये चार तरीके हैं जिसमें आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने चारों तरीका आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, मन में कोई सवाल तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करें, मन में कोई सवाल तो आप हमसे यहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। अगर मैं पुराने सब्सक्राइब तक पता होगा, इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो नोटिफिकेशन पहले आपको पहुंच जाएगा। एक नॉलेजेबल टॉपिक से मैं जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।